आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हम मिलेंगे डॉक्टर इश्तियाक अंसारी जी से। डॉक्टर इश्तियाक अंसारी जी एक विश्वसनीय न्यूरोलॉजिस्ट है। ये कई साल मुंबई के KM हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे चुके हैं। फिलहाल वे 15 साल से औरंगाबाद के पैसिफिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, साथ ही MGM मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर है। आज हम इनसे जानेंगे हेड इंजुरी के बारे में, यानी सर में लगने वाली चोट के बारे में, जैसे रोड एक्सीडेंट या किसी चीज से टकराना, छत से या गैलरी से नीचे गिर जाना, ऐसे और भी कई चोट जिसके कारण सर का ऑपरेशन करना पड़े। और जानेंगे कोई भी एक्सीडेंट या चोट लगने पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होने पर आसपास लोग जमा हो जाते हैं और तुरंत पहले उसे पानी पिलाते हैं, क्या ये सही है? यही जानेंगे डॉक्टर इश्तियाक अंसारी जी से। डॉक्टर इश्तियाक अंसारी साहब से हम बात करेंगे, हेड इंजरी क्या होती है, इसका ऑपरेशन कैसा होता है, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, ये हम उन्हीं से जानेंगे। हेड इंजरी जो है ये दिमाग के मार लगने की वजह से होती हैं, और हेड इंजरी की अलग अलग वजह होती है। सबसे कॉमन वजह जो हेड इंजरी की है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा इंडस्ट्रियल इंजरी या कंस्ट्रक्शन साइट इंजरी, घर पर बच्चों के गिरने से या घर के एक्सीडेंट से, सीढ़ियों पर से गिर जाना, पहले दूसरे माले पर से गिर जाना, पेड़ पौधे पर से गिर जाना, वेल बॉडी में वगैरह गिर जाने से भी हेड इंजरी होती है। तो हेड इंजरी जो है ये दिमाग को मार लगने की वजह से होती है, और हेड इंजरी की अलग अलग सीवियरिटी होती है। वो डिपेंड करता है कि मार, सिर पर मार लगने से पहले पेशेंट को किस तरीके से ट्रॉमा हुआ। तो ये जो ट्रॉमा होता है इसको दो किस्म का डिवाइड किया हुआ है, एक हाई वेलोसिटी ट्रॉमा और लो वेलोसिटी ट्रॉमा। मोस्टली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो इंजरी होती है उसमें दो व्हीकल हाई स्पीड से जाते हैं, तो उसमें हाई वेलोसिटी इंजरी होती है। तो ऐसे इंजरी में नॉर्मली दिमाग के साथ साथ बदन के दूसरे हिस्सों को भी मार होता है। हेड इंजरी के साथ स्पाइन इंजरी होती है, पेट में इंजरी होती है, जो हड्डियां हैं, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है। तो अक्सर पेशेंट्स में जिनमें वेहिकुलर एक्सीडेंट होता है, हाई वेलोसिटी इंजरी होती है, उनमें एक्सीडेंट के वजह से दिमाग के साथ साथ स्पाइन और दूसरी जगह भी इंजरी होती है। अब दूसरा आता है लो वेलोसिटी इंजरी। लो वेलोसिटी इंजरी जब होती है, जब डोमेस्टिक फॉल हो, जैसे सीढ़ियों पे से गिर गए या फिर रास्ते पे से चलते चलते कहीं गिर गए, या कोई बंदा रास्ते पे से चल रहा हो और उसको कोई गाड़ी आकर टक्कर दे दे, तो ये लो वेलोसिटी इंजरी होती है। इसमें अक्सर इंजरी माइनर होती है, और जब पेशेंट हेड इंजरी लेकर आता है कैजुअलिटी में, तो उसके बाद पेशेंट को एसेस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लासगो कॉमा स्केल। ये ग्लासगो कॉमा स्केल 3-पॉइंट स्केल है, जिसमें हम पेशेंट को एग्जामिनेशन करने से पहले उसका रिस्पांस देखते हैं कि आंखें खोल रहा है क्या, बातचीत कर रहा है क्या, हाथ पैर में मूवमेंट है क्या, उसके बेसिस पे ये ग्लासगो कॉमा स्केल एसेस होता है। लेकिन जो भी पेशेंट एक्सीडेंट का या हेड इंजरी का होता है, अक्सर पेशेंट में एसोसिएटेड इंजरी रहती है, यानी बदन के हिस्से पे कहीं और इंजरी रहती है, तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले उनका पल्स, BP और ब्लड लॉस है क्या, ये देखकर उनको पहले स्टेबल करना पड़ता है, और उसके बाद हेड इंजरी के लिए हम CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन पर दिमाग में कितना मार है वो मालूम पड़ता है। CT स्कैन पर दिमाग में अलग अलग किस्म का मार हो सकता है। एक ये है कि स्कल बोन, यानी जो स्कल रहती है, वो फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा, ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, जो एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल या इंट्रापैरेन्काइमल या सब अरेक्नॉइड ब्लीड हो सकती है, और उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट होता है। अक्सर पेशेंट हेड इंजरी के, सीवियर ट्रॉमेटिक, मॉडरेट ट्रॉमेटिक इंजरी के पेशेंट जो रहते हैं, उनको ICU लगता है। कुछ पेशेंट में 10-20% पेशेंट में ऑपरेशन भी लगता है। अगर वो क्लॉट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, फ्रैक्चर से ब्लीडिंग हो रही हो और पेशेंट होश में नहीं हो, तो उस वक्त पेशेंट को उसके लिए ऑपरेशन भी लगता है। जैसा हेड इंजरी हो जाती है तो उसमें पेशेंट में क्या चेंजेस होते हैं, जैसा ओमिटिंग होना, पीपल्स ये जो है इसमें चेंजेस होना, तो कौन सा सीवियर हेड इंजरी माना जाता है? किसी भी पेशेंट में अगर हेड इंजरी होने के बाद पेशेंट अगर अनकॉन्शियस रहता है और उसके बाद उसको वॉमिटिंग होकर फिट आता है, तो नॉर्मली इमीजिएटली पेशेंट को मार लगने के बाद फिट आना और अनकॉन्शियस होना, ये इमीजिएट निशानी होती है सीरियस इंजरी की। अगर पेशेंट को मार लगने के बाद सिर्फ मामूली उल्टी है और चक्कर वगैरह कुछ नहीं है, नाक या कान में से ब्लीडिंग नहीं है, तो ये माइनर होता है। लेकिन जो पेशेंट को बेहोशी हो रही है, अनकॉन्शियस हो रहा है, फिट आ रहा है, नाक कान में से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो थोड़ा सा सीवियर इंजरी मानी जाती है। ऐसे पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी होता है। पेशेंट को एक्सीडेंट होता है या रोड से गिर जाता है और कान में से ब्लीडिंग होता है,
तो ये भी हेड इंजरी का प्रकार होता है? जी हाँ, पेशेंट को अगर मार लगने के बाद नाक या कान से ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके स्कल बोन में आगे से या कान की तरफ से जो स्कल बोन है वो फ्रैक्चर हुई है, इसमें चांसेस रहते हैं, इसलिए कान या नाक में से ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, सिंगल सर्जन एक्सीडेंट हो जाता है, अगर इसको वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आगे क्या मतलब सीरियस क्या हो सकता है? आप जो भी ट्रॉमा का पेशेंट है, एक्सीडेंट का पेशेंट है, इसमें जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट होता है ये तीन किस्म से डिवाइड होता है। एक, सबसे पहले तो हेड इंजरी नहीं हो इसके लिए रूल्स एंड लॉज और उसका रेगुलेशन है। हेड इंजरी प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव जो होता है ये होता है सबसे पहले कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, डिसिप्लिन से गाड़ी हाईवे पर चलाना, ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स को फॉलो करना और हेलमेट पहनना। ये जो रूल्स है ये हमारे अपनी हिफाजत के लिए बने हुए हैं और इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको हम डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं तो हेड इंजरी का इंसिडेंस कम हो जाता है। इसको हम प्रिवेंटिव मेजर बोलते हैं, यानी हेड इंजरी होने से हिफाजत करना, जिसमें हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहनना है, स्पीड लिमिट को फॉलो करना है और सिग्नल्स को, ट्रैफिक रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना है। ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये एक हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा है हेड इंजरी प्रिवेंट करने का। दूसरा हिस्सा होता है जब हेड इंजरी होती है उस स्पॉट पे ट्रीटमेंट देना, यानी एम्बुलेंस सर्विसेज का आना, एम्बुलेंस को वक्त पे आना, एम्बुलेंस से पेशेंट को लेने के बाद पेशेंट को कितने टाइम पर, यानी पेशेंट का जब एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट के बाद से लेके पेशेंट को ट्रीटमेंट, एम्बुलेंस वाले कितनी देर में आए, वहाँ से हॉस्पिटल कितनी देर में लेके गए, इसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। अगर पेशेंट को मार लगते के साथ इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर ट्रीटमेंट इमीडिएटली मिल जाती है तो उससे आउटकम में बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना पेशेंट को लेट होगा हॉस्पिटल पहुंचने के लिए सिर पे मार लगने के बाद या बदन में कहीं भी मार लगने के बाद, उतना लॉन्ग टर्म आउटकम पे फ़र्क पड़ता है। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बाय प्रोवाइडिंग एम्बुलेंस सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स क्लोज टू हाईवे, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल क्लोज टू द जहाँ पर हाई वॉल्यूम हाई ट्रैफिक फ्लो है वहाँ से कितने पास में हॉस्पिटल्स है, ये सब जो गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स से डिसाइड होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पेशेंट को कितने जल्दी इमीडिएटली अटेंड किया गया, कितने जल्दी उसको ट्रीटमेंट चालू की गई, कितने जल्दी उसका सीटी स्कैन हुआ, कितने जल्दी उसको एक्सपर्ट डॉक्टर ने देखे, ब्रेन के जो न्यूरोसर्जन्स है या क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने कितने जल्दी देख कर उनका ट्रीटमेंट चालू किया, उस पर भी आउटकम डिपेंड रहता है। तो इस तरीके से हेड इंजरी के तीन किस्म का मैनेजमेंट होता है। एक होता है प्रिवेंटिव कि उसका एक्सीडेंट नहीं हो इसलिए ट्रैफिक रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना, दूसरा है मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, और तीसरा है हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। जैसे बहुत सी बार ऐसा है पेशेंट एक्सीडेंट होता है, कुछ भी ब्लड नहीं निकलता है जी, मतलब पेशेंट को लगता है कि मेरे को जो मारने का जो मुक्का मार जो बोला जाता है वो मार लगता है, तो ऐसे टाइम में उसको अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, तो कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? नहीं, इसमें जब पेशेंट, मैंने जैसे आपको बताया हेड इंजरी के अक्सर पेशेंट में एसोसिएटेड इंजरी भी रहती है, यानी कई पेशेंट को चेस्ट में रिब फ्रैक्चर रहता है जो बाहर से दिखती नहीं है, कई पेशेंट की जो लीवर स्प्लीन इंजरी होती है, तो ऐसे पेशेंट मार लगने के बाद कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन पेट में स्टेयरिंग व्हील लग गया या मोटरसाइकिल का हैंडल पेट में लग गया, वो जाके उनके लीवर को या तिल्ली को जिसको स्प्लीन बोलते हैं उसको वो इंजर करता है, तो उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे पेशेंट को एक से दो घंटा रहता है वो ब्लीडिंग के बाद डिटोरेट होने के लिए, अंदर ब्लड लॉस होता रहता है और फिर वो जब तक पहुंचता है या खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाता तो इमीडिएटली पेशेंट कोलैप्स होता है। एज अ न्यूरोसर्जन, अगर वक्त पे एक्सीडेंट हो जाता है, ना एक्सीडेंट हो गया है, वक्त पे ट्रीटमेंट कुछ नहीं मतलब मिलता नहीं है, तो ऐसे टाइम में प्राइमरी स्टेज क्या लेना चाहिए? नहीं, इमीडिएटली पेशेंट को, जो भी पेशेंट एक्सीडेंट का है उसको लिटा कर इमोबिलाइज कर देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके जितने जल्दी मेडिकल हेल्प मांग सकते हैं उतने जल्दी मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। फर्स्ट एड हमेशा एट द साइट ऑफ इंजरी होता है, और वो होता है कि पेशेंट को जो भी फ्रैक्चर है उसको इमोबिलाइज करना, यानी उसको लकड़ी वगैरह बांध के कुछ उसको ये कर देना, पेशेंट को हिलने नहीं देना, पेशेंट को उठ के बैठने नहीं देना, और स्ट्रेचर पे लेकर फिर उसको ट्रीटमेंट चालू करना। कई बार ब्लड लॉस होता है और आपके पास अगर आईवी लाइन वगैरह लेने का है, आपके पास फैसिलिटी है एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, तो आप आईवी लाइन लेके सलाइन चालू कर सकते हैं। एक सादा प्लेन एनएस भी अगर आप चालू करते हैं पेशेंट को इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, तो वो भी बहुत मदद करता है। सर, बहुत सी जगह एक्सीडेंट जगह पे बहुत से लोग जिनको मालूम नहीं थी, मेडिकल मालूम नहीं रहती, तो उस टाइम में उनको पानी पिला देते हैं, तो ये कितना सही रहता है? नॉर्मली हेड इंजरी या कोई भी इंजरी के बाद पानी पिलाना इतना मुनासिब नहीं है,
क्योंकि कई बार पेशेंट को अगर इंजरी होती है तो वॉमिटिंग का डर रहता है, और वो वॉमिटिंग अगर करते हैं और कॉन्शियस नहीं है, आप पानी पिलाते हैं तो सांस की नली में और फेफड़ों में जाने का उसका डर रहता है, जिसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं, तो वो इस चीज़ को एग्रीवेट करता है। तो पानी पिलाना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली मार लगे तो पानी पिलाएं, जहाँ तक हो सके उससे एहतियात करें, पानी ना पिलाएं।